नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम लालजी टंडन जी। हां, उत्तर प्रदेश से नाता है और राजनीति के सबसे लंबे अनुभव वाले एक राजनेताओं में से हैं लालजी टंडन साहब। बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, लोकसभा सीट में नुमाइंदगी कर चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सीट लखनऊ की, तब की यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, नगर विकास मंत्री रह चुके हैं, लिखने पढ़ने से बहुत नाता है। और अगर मैं ये कहूं कि गठबंधन की सरकार बनाने में लालजी टंडन जी की उस वक्त बसपा से समझौता कराने में बेहद अहम भूमिका थी तो वो गलत नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं टंडन साहब। और एक सबसे अहम बात यह है कि जब एक बार मुख्यमंत्री बनाने का जब समय आया तो लालजी टंडन सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन हालांकि उस समय राम प्रकाश गुप्त जी बने। इस वक्त हमारे साथ हैं महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के लालजी टंडन साहब। बहुत बहुत स्वागत है महामहिम जी मीडिया में। धन्यवाद। टंडन साहब, भोपाल में बैठकर, राजभवन में बैठकर लखनऊ कैसा लगता है और पूरे देश में जो कोरोना का संकट है उसमें इस वक्त इस स्थिति का आकलन आप कैसे करते हैं, क्योंकि खुद भी आप बीच का जो फेज आया था कमलनाथ सरकार जाने का और शिवराज सरकार आने का, तो आप उस सरकार के एक तरह से संरक्षक थे, मार्गदर्शक थे। 3 दिनों का, जो 72 घंटों का या थोड़ा वक्त मैं कह लूं कि उस अंतराल का, तो आपको स्थितियां कैसी दिख रही वहां से? देखिए, ये तो राजनीति अपनी जगह पर होती है और इसमें सरकारें आती जाती रहती हैं, तो मेरी निगाह में ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। और मेरा जो दायित्व था वो निष्पक्ष रूप से मैंने उसको पूरा किया। और शायद इतने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन जो हो गया उसे यहाँ की जनता उसके लिए धन्यवाद की पात्र है। महामहिम, आपको ऐसा लगता है कि जो ये फेज था बहुत क्रूशियल था, उस वक्त सरकार जिस असमंजस में थी या विपक्ष जो है वो अपनी चिंता में था, ऐसे वक्त में जब COVID-19 यानी कोरोना से लड़ना था, उस वक्त दोनों दल आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, कोई बेंगलुरु में बैठा था, कोई राजस्थान में बैठा था और सरकार बचाने की जद्दोजहद चल रही थी। जो घटनाक्रम है वो इतनी तेजी से बदला, कोरोना ने इतनी तेजी से अटैक किया कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर या आसपास के और भी शहर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। और इंदौर ने जहां राज्य या देश भर में नाम बनाया कि सफाई में नंबर 1 प्रदेश का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, एक अहम आपका शहर है, आज वो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में गिनती में आ गया। देखिए, किसी दल के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन वो 2-3 दिन तक ही वो घटनाएं नहीं चली, बल्कि उसमें काफी पहले से सरकार हटाओ और सरकार बनाओ, इसमें यहाँ बाकी सब तरफ से लोगों का ध्यान स्वाभाविक है कि हटेगा। तो काफी लंबा समय ऐसा हुआ कि जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल निष्प्रभावी हो गई थी, उसी समय छत्तीसगढ़ में एक कोरोना का पहला केस आया और ये समय था कि जब एक मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था और दूसरे ने शपथ दी नहीं थी,
वो 3-4 दिन में कोरोना ने यहाँ पर दस्तक दी, तो मैंने बिना इंतजार किए हुए सारे अधिकारियों को बुलाकर, और वो सब जानते हैं कि मैंने किस कड़ाई के साथ उनको निर्देश दिए थे कि आप लोग इस सब तमाशे में न पड़िए, आपका दायित्व है। आज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये वायरस है ये फैलता बहुत तेजी से, इसलिए आप ये ना समझें कि आपके अभी खाली कुछ लक्षण मिल रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि अगर ये एकदम से इसे अटैक कर दिया तो क्या होगा, कैसे संभालेंगे। कोई आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई और नहीं है। उस समय मैंने चीफ सेक्रेटरी से लेके और जो बाकी वरिष्ठ अधिकारी थे उनको बुलाया, और बुला के उन्हें निर्देश दिए थे। मैं समझता हूँ कि शायद उन निर्देशों से कई चीजें जो कल्पना में भी नहीं थी उनके, वो भी सामने आ गई, और मैंने समझ लिया कि अब ज्यादा समय नहीं है, ये भयंकर रूप से बढ़ने वाला है, तो सरकार कोई भी हो अभी नहीं है, बनेगी, लेकिन ऐसे गंभीर संकट के प्रति खामोश रहना उचित नहीं है। इसलिए मैंने उन सबको जो जो बताया था, जो उस समय उनके दिमाग में भी नहीं था, कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी होगा, वो सब मैंने पहले मीटिंग में, जब यहाँ पर कोई ऐसा प्रकोप नहीं था मध्य प्रदेश में, उस वक्त की बात है, तो मैंने उन्हें ये कहा कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि ये एकदम से जब ये बढ़ेगा, तो आज आप जो चीजें देख रहे हो वो उससे कहीं ज्यादा जो है वो गंभीर बातें सामने आएंगी, जिसका आपके पास उस समय कोई उत्तर नहीं होगा, न व्यवस्था कर पाएंगे। तो पहली बार मध्य प्रदेश में इसके ऊपर मैंने विशद चर्चा करके और सबको निर्देश दिए थे, उसमें सबसे पहले शायद ये विषय मैंने ही उठाया हो है, कम से कम मध्य प्रदेश में तो कह ही सकते हैं कि जहां जो ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं, जब उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि जब इसका प्रकोप इतना हो जाए, तो उससे एक वर्ग ऐसा है कि जो रोज कमाता है और रोज खाता है, उनके न मकान है और समय इतनी कठोरता से लॉकडाउन भी नहीं हुआ था, तो ये मैंने कहा ऐसा समय भी आ सकता है कि बाजार में कोई चीज मिलेगी नहीं, बाजार बंद होंगे, इन लोगों का कोई रहने का ठिकाना नहीं है, अगर इनको अनाज दिया जा रहा है, कुछ उनके अकाउंट में पैसे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे, क्योंकि न घर है ना कोई स्थान है, और ऐसी जो संख्या है उसके ऊपर अभी से आप कंसंट्रेट करें कि कोई भूखा नहीं रहेगा। और मैं कह सकता हूं कि जो उस समय नीतियां बनाई गई और जो मैंने निर्देशित किया था, और उसके बाद अपने स्तर पर मैं उसकी व्यवस्था बनाने में लग गया था,
सारे धर्माचार्य शंकराचार्य से लेके और जो भी थे, जैन मुनि और आर्क बिशप, शहर काजी, सामाजिक कार्यकर्ता, सबसे मैंने व्यक्तिगत बात की और एक ही अपील की कि अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आपको उठानी होगी कि कोई यहां भूखा न मरे, उनके लिए व्यवस्था आपको करनी होगी। तो वहां पर भी सबसे पहले पहल मैंने राजभवन से की कि सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने जिनसे मैंने बात की थी, और सबने भोजन की व्यवस्था जगह जगह कर रखी थी। तो शुरुआत मैंने की कि राजभवन से कुछ भोजन के पैकेट बना के और अधिकारियों को दे दिए जाते थे, और उन्हें ये निर्देश था कि आप रिजर्व में रखेंगे, सब जगह देखिए व्यवस्था अगर है तो जहां पर जरूरत है वहां ही दे दे रहा हूं, और जहां नहीं है तो वहां वो इसके जो भोजन के पैकेट हैं ये उनको सबको पहुंचाएं, और कम पड़े जितने हम राजभवन से भेज रहे हैं, अगर वो कम पड़े तो राजभवन को सूचित करो, एक घंटे के अंदर वो कमी पूरी कर दी जाएगी। तो उसने भी एक बहुत उत्प्रेरक का काम किया, जहां जाता था पहले है व्यवस्था नहीं है तो लोग ये राजभवन की तरफ से आया है, तो लोगों का मनोबल बना रहा। और फिर सामाजिक संस्थाओं में जब जिन लोगों से मैंने अनुरोध किया था, उन्होंने अपने निस्वार्थ सेवा समाज के लिए की, जिसके लिए, और सबने मुझे लिखित रूप से सूचित किया कि हम यहाँ पर ये व्यवस्था कर रहे हैं, इतने लोग लगे हैं, इतने लोगों का भोजन बन रहा है। अब मुझे बड़ा संतोष हुआ कि जो मैंने जब ये कहीं जरूरत ही नहीं थी उस समय कहा था, बाद में वो भयंकर रूप से जब समस्या आ गई तो उस समय का जो प्रयास थे उसको वो सराहनीय रहे, यहाँ की जनता, यहाँ के समाज, यहाँ के जो महामहिम। आप राजभवन में हैं और आपका संवैधानिक एक उत्तरदायित्व है, बीच के पीरियड में जो स्थितियां बनी आपने एंटिसिपेट किया, और वो शायद आप जो बात कह रहे हैं कि उनके जहन में भी बात नहीं थी ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में कि ऐसी भयंकर स्थितियां बन सकती हैं, इस बात की हम सराहना करते हैं। आपके लिए राजनीतिक बयानों की एक लक्ष्मण रेखा है और हमारे लिए भी एक लक्ष्मण रेखा है कि हम आपसे इस तरह के सवाल ना करें जो राजनीतिक हो, लेकिन हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम आप तक वो बात पहुंचाएं कि जो ब्यूरोक्रेसी महामहिम हवा का रुख भांप लेती है कि कौन जाने वाला है और कौन आने वाला है, वो उसी हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेती है। और आप से बड़ा राजनीतिक अनुभव वाला व्यक्ति इस समय मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में आडवाणी जी के अलावा कोई होगा, और भी आपके कुछ सहयोगी हो सकते हैं जो दूसरी पार्टियों में होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस ब्यूरोक्रेसी को अगर इस बात का अंदाजा नहीं था, जिस सरकार की ब्यूरोक्रेसी के टॉप लोग वो कोविड-19 के शिकार हो जाते हैं, और आपकी जो लीडरशिप है, जो ब्यूरोक्रेसी की लीडरशिप है वो शिकार हो जाती है, उनको आइसोलेशन में भेजना पड़ता है, क्वारंटाइन करना पड़ता है, इसका मतलब आपको नहीं लगता कि इस ब्यूरोक्रेसी ने उस गंभीरता से इस पूरी बीमारी को नहीं लिया जिसके लिए वो बने हुए हैं, जिस जिम्मेदारी पर वो थे, और इसके अलावा इंदौर के हालात बिगड़ने के लिए भी पूरे जिम्मेदार वही लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो संकट से निपटे? पहले सुनिए, मैंने जिस समय अधिकारियों को निर्देश दिए थे और ये सेवाएं शुरू हो गई थी, तो उसके बाद नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली, तो वो सारी व्यवस्था बनी हुई
उनको मिल गई और मैं प्रशंसा करूंगा कि मुख्यमंत्री भी इधर मैंने शपथ दिलाई रात में और वो एक 20 मिनट में सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। वो सीधे मेरे वहां से सीधे अपने ऑफिस गए और उस समय से सारी व्यवस्थाओं को संभालने की कोशिश की और तब से आज तक वो 24 घंटे लगे। मेरा जो क्षेत्र है वो अलग है, उनका अलग है, तो वो पूरा प्रयास करके रोकने के लिए जो कुछ भी संभव है वो सरकार कर रही है। किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है और जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है वो उस समय की परिस्थितियों में अलग बात थी, लेकिन आज वो सब की सब पूरी जी जान से लगे हैं कि कोरोना की इस लड़ाई में हमें जीतना है और वो इसलिए भी जो गंभीर हुई है स्थिति उसके कारण सब अलग अलग हैं। वो स्वाभाविक रूप से नहीं हुई, किसी की उपेक्षा से नहीं हुई, ऐसी परिस्थितियां बन गई कि कुछ लोग जो वायरल थे उन्होंने अपने को छुपाया और आकर वो जगह जगह वो छुप के बैठ गए, उन्होंने बताया भी नहीं और उसमें वो बढ़ता चला गया। तो उसमें न प्रशासन की कोई कमी थी न ही किसी ने अनुमान किया था कि ऐसा हो जाएगा। तो समय समय पे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जिसका परिणाम आगे चल के बड़ा होता है, लेकिन आज उस बातों को डिस्कस करना जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने किया या उन्होंने किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं महामहिम, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अच्छा ही नहीं है। बड़े नेताओं तो का ये कहना है, बीजेपी के मंत्रियों का ये कहना है, मैं महामहिम बीजेपी के बड़े नेताओं और मंत्रियों का ये कहना है कि अगर पहले की सरकार यहाँ पर अगर पहले की सरकार तबलीगी जमात के लोगों को अगर वहां पे आइडेंटिफाई कर लेती, उनको आइसोलेशन में करती, क्वारंटाइन करती, उनके टेस्ट करा देती तो शायद इतनी स्थिति खराब नहीं होती। ये कहना है वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का और मंत्रियों का। देखिए ये लोग कहते कुछ भी हों लेकिन यथार्थ ये है कि कुछ लोग जो पहले से इससे प्रभावित थे और वो आके वो अपने घरों में रहने लगे और उन्होंने अपने परिवार में फिर अगल बगल उस वायरस को खूब फैलाया। ये बाद में पता लगा कि ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं और उसमें जो स्थितियां हुई हैं कि कुछ लोगों ने पत्थर चला दिए जो वहां पर उनकी चेकिंग करने जा रहे थे, किसी ने अपने आप डिस्क्लोज नहीं किया जब हम बाहर से आए हैं, मालूम है कि उनको कोरोना पॉजिटिव है लेकिन वो किसी से बताया नहीं, उन्होंने छुपा लिया। अब इसका कौन सा यंत्र था कि जिसे कोई सरकार या कोई अधिकारी या कोई कहे, तो ऐसा जो परिस्थितियां थी वो ऐसी बन गई कि अब इतना वो व्यापक रूप में फैल गया का एक दो शहरों में खास तौर से, अभी बाकी जगह कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है। और ये अब मान के चलना चाहिए कि जब तक ये कोरोना का अंत नहीं होता तब तक हमें उस अनुशासन के अंदर रहना है और उससे लड़ना है। इस समय हमें किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहराना है कि जो अधिकारी खरे नहीं उतर रहे हैं उनका सबको हटा के दूसरे किए गए, जो
उपकरणों की जरूरत थी वो सब उपलब्ध हो गए, जो भी और जरूरतें हैं वो सब पूरी हो गई। तो जो एक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न थे उसमें भी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी चीज की कमी नहीं हो। अब इतने बड़े समाज में, इतने बड़े समस्या में कोई भी कह सकता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन सबसे पहले उसको रोकने के लिए कि ये जो पत्थरबाजी हुई है तो सबसे पहले एनएसए में यही गिरफ्तार करके भेजे गए जी। कुछ जी महामहिम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं होगा महामहिम, आपका ईपी आपके पास है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि हमको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना है और नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये संकट ऐसा है किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं है और ना धर्म विशेष का मामला है, बल्कि हमको ये बताना पड़ेगा कि हमको कोरोना है। लेकिन एनपी प्रजापति जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने आप पर एक ये टिप्पणी की है, वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आप भी पहले से आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, आप लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, आप सरकार में प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं। तो मैं आपको जरा एक बार सुना देता हूं फिर आपकी टिप्पणी लेता हूं, क्योंकि राजनीतिक मर्यादा के बंधन में तो आप हैं लेकिन जो आप पर आरोप लगाते हैं उन पर आपको जवाब देना है, ये आपको तय करना, जरा आप एक बार सुन लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पर आरोप ये भी लगा था कि आपने मर्यादा के हिसाब से जो विधानसभा अध्यक्ष के पद की होती काम नहीं किया, बल्कि पार्टी के एक विधायक की तरह, पार्टी के एक नुमाइंदे की तरह काम किया और इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। ये आरोप आप पर वो लोग लगा रहे थे कि आप इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हो, बाद में आपको दबाव में करना पड़ा। उनका आरोप असत्य है। मैं अगर अध्यक्ष हूँ तो विधानसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उसका भी कर्तव्य है कि प्रदेश की जनता के बारे में सोचे, और कोरोना की बात लेके मैंने प्रदेश की जनता के बारे में सोचा, किसी पार्टी के नाते नहीं सोचा था, एक निष्पक्ष व्यक्ति के नाते सोचा था। हाँ, पार्टी के नाते भाजपा सोच रही थी, इसलिए वो बार बार राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे थे, अमले बेलू के राज्यपाल किसी पार्टी का काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ प्रजापति काम कर रहे थे पार्टी का, राज्यपाल ने भी पार्टी का काम किया, राज्य में दोनों वैसे मैसेज दिए गए, मेरे को विधानसभा बनाने के लिए प्रस्तावित किया। महामहिम एनपी प्रजापति ने कहा कि राज्यपाल महोदय बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे, इस आरोप पर आपकी टिप्पणी। कुछ लोग होते हैं जिनको जिस पद पे होते हैं उससे ज्यादा अपेक्षा करके और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और वास्तव में न उन्हें संविधान के प्रति आस्था होती है न वो किसी न किसी व्यक्ति के प्रति होती है। और ये उन्होंने जो कहा, मुझे जो उन्होंने पत्र भेजा था वो पत्राचार प्रकाशित हो चुका और उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ है उसमें सब चीजें स्पष्ट हो गई। तो अब उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, और ना मैंने जो उन्हें पत्र लिखा था उस पत्र में उनके ऊपर कोई आरोप लगाया था। मैं उनकी तारीफ ही की कि आपने 6 लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, बड़े ईमानदारी से किया, लेकिन जो और 17 लोग या 18 लोग हैं, जितने भी हैं, उनके बारे में आप ये शर्त क्यों लगा रहे हैं कि वो यहां आए, जिनका किया उन्हें तो बुलाया नहीं था। तो इसलिए वो एक लंबा विषय हो जाएगा, तो उसमें कोई सफाई या उसकी मुझे जरूरत नहीं है कि, और इस वैसे स्पीकर जो है वो विधानसभा के अंदर ही जो उनका अधिकार क्षेत्र है वो होता है, लेकिन कई जगह उन्होंने जो व्यवहार किया
वो उनका अपना, और वो इसको कहते थे कि ये मेरा सर्वोच्च अधिकार है, मैंने उसका इस्तेमाल किया। तो मैंने भी जो उन्हें पत्र लिखा तो यही लिखा कि आपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, उसमें मुझे कोई दखल नहीं देना है। और लेकिन ये दिखना भी चाहिए कि जो फैसला आपने किया है उसके बारे में जो अगला चरण है वो उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव है। तो इसमें कुछ विषय ऐसे हैं कि जिनको मैं आपके को न कोई इसमें हस्तक्षेप करूंगा, न मैं कुछ कहूंगा। मैं ये जो व्यवस्था है उसके अंदर आपको अपने आप इसका निर्णय करना होगा। तो कभी मैंने जरा सा भी न उनके प्रति कोई अपमानजनक शब्द कहा, न मैंने, हाँ वो पत्र जो मैंने लिखा तो उसके कारण पूरा उनका जो भी वो कह रहे थे वो सब खत्म हो गया। लेकिन उससे हमें क्या लेना देना है, हमारा उनका कोई वो नहीं है, ना व्यक्तिगत ना ये राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं ये राजभवन में रहता हूँ तो जो मैं करता हूँ वो राजभवन में तो माना जाएगा, और अगर यहाँ पर उस समय के मुख्यमंत्री आते थे, मित्रवत संबंध हैं, आके खुल के बात होती थी, तो ये तो एक स्वस्थ लोकतंत्र का मर्यादा है कि जो राज्यपाल है उसके लिए सब समान है, कोई दल नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। जो संविधान में अधिकार हैं उसके उस दायरे के अंदर रह के अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, जिसमें किसी के लिए कोई भेदभाव ना हो। और वो आप स्वयं साक्षी होंगे, सभी इस बारे में जानते हैं कि उनके अलावा में कभी इस पूरे प्रकरण में किसी ने भी कोई उंगली उठाई नहीं। अगर किसी ने कभी कोई ऐसे ही हल्के फुल्के ढंग से कह दिया तो बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी जी। तो इसलिए मैं इस राजनीतिक विषयों में पढ़ना नहीं चाहता। और क्या किसने कहा था जी महामहिम, यह है जाहिर है कि आप संविधान की व्यवस्था में आप राजभवन में हैं और आप उस समय अपनी भूमिका निभाएंगे जब आपको लगेगा कि सरकारें अल्पमत में हैं या सरकार गलत कर रही है, जो संविधान की व्यवस्था से कहीं पर कोई चूक हुई, खिलवाड़ हुई, तो उस पर आप हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन दो बयान आपको सुनाने जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना के संकट के दौरान भी विधानसभा की कार्यवाही को जारी रखकर जो कार्यवाही चल रही थी वो गलत थी, लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी वो भी गलत थी, और सरकार गिराने के लिए मध्य प्रदेश की ये पूरा खेल रचा गया था। शक्ति सिंह गोहिल जो राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है। दोनों बयान में आपको सुनवाता हूं, फिर आपकी टिप्पणी लेता हूं। ये जनता पार्टी तो पार्लियामेंट चला रही थी 23 मार्च तक, गवर्नमेंट गिराने का प्रयास कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और आज शिवराज जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने क्या किया। कितनी बड़ी चुनौती इस कोविड से हुई है शक्ति सिंह जी। जी लेकिन जो जी। घर का विभीषण है उसने तो आपकी लंका ढाई ना, विभीषण तो आपके पास ही थे, जो कल तक बीजेपी कहती थी माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, उन्हीं महाराज ने उन्हीं शिवराज को ज्वाइन कर लिया। तो इसमें बीजेपी कह रही है ये तो आपके घर की फूट। विभीषण का अपमान मत कीजिए कि जयचंद है, विभीषण तो जहां अन्याय चल रहा था उसके खिलाफ आवाज उठा के निकला था, वो विभीषण रावण के खिलाफ। इधर वो जयचंद वो है कि एक सच की लड़ाई लड़ने वाले के साथ रह के अब झूठ। मुझे आप ये बताइए कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी से नाराजगी थी तो राज्यसभा का चुनाव आया तभी नाराजगी सामने आ गई, तब तक सब ठीक था। कल तक आप सही कह रहे हैं, तो कल तक जो भाजपा के सभी नेताओं को मेरे से दो कदम आगे बढ़ के गाली देते थे
उसको गले मिलने की जरूरत आज क्यों आन पड़ी। महामहिम, दो नेता ये आरोप लगाते हैं कि खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही थी, आप क्या कहेंगे? और कह रहे थे कि कोरोना से निपटना चिंता नहीं थी, वो तो सरकार गिराना चिंता थी उनकी। जाकी रही भावना जैसी, उसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध कर सकता हूं कि घटनाएं बताने के बजाय अब धीरे धीरे राजनीति की तरफ दिशा जा रही है, जो मैं जिसमें कोई न मुझे कमेंट करना है, न कोई सफाई देना है, न कोई किसी के ऊपर दोष लगाना है। जो मेरा दायित्व था वो मैंने किया, और वो जो दूसरों का अधिकार था उन्होंने अपना इस्तेमाल किया। तो जो सरकार को हटाना चाहते थे उन्होंने वो अपनी तरफ से आते थे मेरे पास और लिख के अपनी शिकायत दे जाते थे, बता जाते थे, और जिनको सत्ता में आने की का प्रयास कर रहे थे वो भी मेरे पास आते थे, आके वो भी तो जो आते थे मैं वो समय तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिख के और बता देता था कि ये मुझे शिकायत मिली है। और ये प्रकरण वहीं पर खत्म हो जाता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में जो अपना फैसला दिया है उससे सब चीजें साफ हो जाती हैं जी, क्योंकि ये विवाद से अलग हो जाता है कि जब न्यायपालिका कोई फैसला करती है तो वो संविधान के रक्षक के रूप में उसकी भूमिका होती है। जी, मैं बिल्कुल आपके तो आपकी इस बात से सहमत हूँ महामहिम, कि मैं आपसे ज्यादा राजनीतिक सवाल न करूं, क्योंकि आपकी एक लक्ष्मण रेखा है, आपका एक संविधान के तहत एक व्यवस्था है, एक मेरी भी मर्यादा है और मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज के दौर में हमने कई नए किस्म के हीरो देखे हैं, हम हीरो फिल्मों में देखते थे, खिलाड़ियों में देखते थे, हमने और भी हीरोज देखे हैं जिन्होंने भारत की तरफ से जंग लड़ी है, वो हीरो भी हमारे लिए हीरो, लेकिन आज हमने डॉक्टर्स में हीरो देखे, आज हमने सफाई कर्मचारियों में हीरो देखे, आज मजदूरों में, किसानों में हमने हीरो ढूंढे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर है, आपने सक्रिय राजनीतिक भूमिका भी निभाई है और संविधान के एक पद पर आप बिहार में भी सुशोभित कर चुके हैं और आप मध्य प्रदेश में भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको आज के दौर में क्या लगा कि अब सब कुछ बदल रहा है, लोग बहुत कुछ चाहते नहीं है, लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह कोरोना से बचा जाए और वो भारतीय परंपरा और संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। देखिए, इस समय ना राजनीति करने का है, ना कोई नए प्रयोग करने का है। इस वक्त तो जो हमारे सामने संकट है, हमारे दर्शी वही तक रहना चाहिए शायद सबके, और इस देश के प्रधानमंत्री से लेके और वो आम नागरिक जो इस लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा के निर्भय होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनका जीवन बचा रहे हैं, उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि उनका सम्मान हो। और मैं क्या, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनका इतना सम्मान हो रहा है उनके कहने के ऊपर, तो ये इतने बड़े संकट में जो लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री अगर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, तो क्या मैं कहूं गलत है? सारे देश को ये मानना पड़ रहा है। हाँ, उन जगहों पर मैंने जरूर
हस्ताक्षर किए हैं कि जहां पर बिल्कुल ही उसका उल्लंघन हो रहा है, जो देश कह रहा है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो समाज चाहता है, जो सबके हित में है, उसके विरोध में अगर कुछ लोग कोशिश करते हैं उसको बिगाड़ने की व्यवस्था को, और जो उसमें लगे हैं निष्काम भाव से और सेवा भाव से उनके काम में बाधा पहुंचाते हैं, तो मेरा ये दायित्व भी बनता है और कर्तव्य भी है कि मैं उनके प्रति अपनी संवेदना हमेशा व्यक्त करता रहूं, ताकि उनकी हिम्मत बनी रहे कि सारा देश उनके साथ है। तो इसमें भी जब ये पत्थरबाजी की बात हुई तो उस वक्त मुख्यमंत्री को मैंने बताया था, और उस समय उन्होंने तत्काल ये उस पर एक्शन भी लिया कि कुछ लोगों को जो नहीं रुक रहे थे पत्थर फेंक रहे थे तो उन पर कार्रवाई की। उसी समय दो डॉक्टर सी लड़कियां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन पर पत्थर फेंके गए। मुझे जब ये मालूम हुआ तो मैंने उन दोनों बेटियों से बात की और मैंने कहा कि तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया, तुम डरना नहीं, कोई भी समस्या हो मुझे बताओ, लेकिन अपने कर्तव्य से अलग ना होना। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब वो बेटियां उन्होंने कहा कि आपने जो कहा है, हम सब काम पे वापस जा रहे हैं और हमें बहुत बड़ा एक सहारा मिला है आपकी बात से, तो यही काम तो हमारा है कि जहां जरूरत है वहां पर वो हमारा आशीर्वाद उनको मिलता रहे, ठीक से काम करते रहें। जहां कोई गलत कर रहा है तो उसके बारे में जरूर टोकना चाहिए। तो ये तो सामान्य बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसलिए ये प्रकरण। लेकिन दुनिया में आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत गंभीर है, खास तौर से उसमें नंबर एक पर है इंदौर, और दूसरे नंबर पे भोपाल। इंदौर में अब स्थिति लगभग काबू में आ गई है, लेकिन वो इतना वायरस फैल गया कि एक दो नए केस रोज निकलते आते हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर एक दो नए सामने आए तो 10 जो है वो ठीक होकर अस्पताल से बाहर भी गए, तो मतलब ये है कि ठीक होने वालों की संख्या और मृत्यु को प्राप्त होने वालों की संख्या को अगर आप तुलना करें तो ठीक होने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो इस पे किसी को दोष देना अन्याय होगा। ये सबकी कोशिश है कि ये रोग ये इसका फैलाव ना हो, और वो सब उसमें लगे हुए हैं। मेरा सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद है कि ये देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, सबके हित में वो अगुआ होकर जो इसमें लगे हैं वो काम कर रहे हैं। और उनको स्वाभाविक है कि जब वो ऐसे काम कर रहे हैं तो उनका स्वागत भी होना चाहिए, उन्हें संरक्षण भी मिलना चाहिए। उनके विरुद्ध अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो उसको सजा भी होनी चाहिए। वो अब व्यवस्था तक पटरी पे आ गई है कि जो ये इस तरह के कर रहे हैं उसमें सजा का प्रावधान होगा, और वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ गई बात, तो अब उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। और दूसरा
कि जो ग्राफ ठीक होने वालों का बढ़ रहा है, नए केस आने वालों का बहुत कम हो रहा है। ये एक शुभ लक्षण है कि जो परिस्थिति है वो नियंत्रण में आ रही है। और तो ये मैं शुरू से कहता रहा हूं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। महामहिम, आप तो लखनऊ जैसी सीट की नुमाइंदगी कर चुके हैं, लखनऊ से लोकसभा के आप सदस्य रहे हैं, सांसद बने, वहां हर समुदाय ने, हर धर्म ने आपको मजबूती दी और आपको संसद में पहुंचाया। भोपाल की स्थिति भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कई बार ऐसा लगा कि तबलीगी जमात वालों ने इसको बना दिया कि ये हमारे धर्म पर हमला है। कुछ लोग हैं, वो पूरा मुस्लिम समुदाय नहीं उसमें, या मौलाना साद जैसे लोग हैं कि जो तमाम अपीलों के बावजूद निकलकर नहीं आते हैं और ना ही अपने जमात के लोगों को समझाते हैं। तो ऐसा लगने लगा कि ये कुछ लोग जो पूरे धर्म को बदनाम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डालने की साजिश रचते हैं। अब पूरा हिंदुस्तान उनसे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ये जहां जहां जाएंगे पूरे में फैलाएंगे। तो आखिर क्यों ऐसा कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये आपके धर्म के खिलाफ नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का धर्म युद्ध है कोरोना के खिलाफ। देखिए, अगर ये समझाया जा सकता होता तो इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होती। एक मानसिकता यहां पर पैदा हो रही है कि जो हर चीज को किसी मजहब से जोड़ देते हैं, लेकिन वो देश हित में नहीं है। एक कोई संस्था है जिसने, उसे नहीं करना चाहिए था, उसने कर दिया, उसके कारण ही ये चारों तरफ समस्या बढ़ गई। लेकिन वो सब, उस सबकी जांच हो रही है, सब कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि वो किसी मजहब के द्वारा किया गया या किसी समाज के द्वारा किया गया। वो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई बल्कि समाज को नुकसान पहुंचाया, और अभी भी कुछ लोग हैं कि जो उनसे संबंधित रहे हैं, उनको ये वायरस है लेकिन वो आके सामने बता नहीं रहे हैं। उन्हें इतनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। बाकी तो हर व्यक्ति के लिए कानून है, वो अपना काम करेगा, लेकिन ये समय इन बातों के लिए नहीं है। ये जिन्होंने, जिनके द्वारा ऐसा कुछ हुआ है, तो वो खुद भी आत्महत्या की जैसे कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब बातों में जिक्र नहीं, समय सारे देश का। और प्रधानमंत्री की बात आप सुनते होंगे कि उन्होंने कभी भी कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, सबको लिए रात दिन जूझ रहे हैं। ऐसा नेतृत्व अगर हो, ऐसी नीतियां अलग हो अगर हो, तो वो ये संकट इस देश के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही इसका जो सुखद परिणाम है सामने आ जाएगा, और उसमें भी भारत का और भारत के नेतृत्व का जो है, उसमें प्रधानमंत्री का खास तौर से आज सारा विश्व में महसूस कर रहा है कि वो अपने देश की जो है वो समस्याओं से जूझते हुए दुनिया में जिसे भी आवश्यकता है उसके लिए वो सहयोग को तैयार हैं और कर रहे हैं। ये सारी दुनिया मान रही है, तो कुछ लोग अगर, ये स्वाभाविक है कि कुछ विपरीत राय भी रखते होंगे, लेकिन उन्हें भी मैं सलाह दूंगा कि मेहरबानी करके इतने दिन कोई जो सरकारें कर रही हैं उनके काम में बाधा ना पड़े, और सब
ठीक दिशा में चल रहा है, सब पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं और इसका हल अब करीब करीब हम लोग पहुंच गए हैं कि जहां पर इसका वैक्सीन भी तैयार होने की स्थिति में है और इसका प्रभाव भी बढ़ने से रोक दिया गया है और इसमें जो जनता का भरपूर सहयोग मिला है वो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। महामहिम एक व्यक्ति के कहने से, प्रधानमंत्री के कहने से सारा देश अगर उच्च दिशा में खड़ा हो जाता है तो ये भारत के लिए कितना शुभ लक्षण है, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि आज सारा देश एक है और उसका लक्ष्य एक है, कोरोना को मात देना, और सब उसमें लगे हैं। हाँ महामहिम, आपकी दो छोटी छोटी टिप्पणी, महामहिम दो छोटी छोटी टिप्पणी, दो तस्वीरें हमने देखी हैं हिंदुस्तान में, दो तस्वीरें, एक तरफ मजदूरों का अपने घर लौटने का, घर वापसी का, जो एक तरह से अदम्य शक्ति का परिचय देना कि वो अगर कोई साधन नहीं तो पैदल चले जाएंगे, वो मिक्सर में, सीमेंट के मिक्सर में जहां सीमेंट मिक्स की जाती है गिट्टी में, उसमें घुस के चले जाएंगे, या मजबूरी में वो दूध के टैंकर में घुस के चले जाएंगे, वो तस्वीरें भी हमने देखी है, पैदल यात्रा कर रहे लोग, लंबी लंबी यात्रा कर रहे हैं, एक वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये है कि शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें, सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें आपको एक राजनेता के तौर पर, मैं महामहिम के तौर पर नहीं पूछ रहा हूं, राजनेता के तौर पर कैसी लगती हैं कि दो कंट्रास्ट हैं, एक तरफ मजदूर घर को वापस जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ शराब के लिए लोग घर से बाहर निकलकर सारी चीजों को भूल रहे। दोनों ही गलत कर रहे हैं। जो शराब के लिए और जो नियम हैं उनको तोड़ रहे हैं वो कानून और समाज जो आवश्यकता है नियमों के पालन करने का उसका उल्लंघन कर रहे हैं, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ सकता है। और जो लोग, जो मजदूर हैं, जब उनके लिए सब ये इंतजाम कर दिया गया था कि जिनके पास राशन कार्ड है वो 3 महीने का एडवांस राशन उनको दे दिया गया, जो लगभग सबने ले लिया, जिनके पास कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी उनके लिए समाज का हर वर्ग टूट गया कि किसी तरह से भी कोई भूखा ना रहे, उनके लिए सारा इंतजाम हो रहा है, सबको ये आप लोग भी सबको शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद अपने आप जा रहे हैं और फिर वो पैर दिखाते हैं कि छाले पड़ गए, इसमें गलती किसकी है? और उन्हें भी ये विश्वास रखना चाहिए कि सरकार की तरफ से सारा इंतजाम है उनके खाने का, उनकी व्यवस्था, उनके लिए सब, तो थोड़े दिन रुकना है, केवल यही अपेक्षा है कि भाई जहां हो वहां रुक जाओ और बाद में जिन्हें आवश्यक है वो वापस जाना चाहते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था भी हो रही है, लेकिन उसके साथ जो आवश्यक जांचें हैं वो कराना जरूरी है। लेकिन ये जो पैदल चले जा रहे हैं, खाना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, अनाज मिल रहा है और वो सब ले भी रहे हैं बहुत से लोग, और उसके बाद भी आपके सामने ये दृश्य दिखाई देते हैं कि देखिए हमारे पैर में छाले पड़ गए, आग पर चलोगे जल जाओगे। उन्हें सोचना चाहिए था कि जिस राज्य में, जिस जगह वो अपनी रोजी कमा रहे हैं, अगर थोड़े दिन वहाँ ऐसा कोई स्थिति आ गई है तो इंतजार कर लें, उसके बाद फैसला करें, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, जिनको रहना है रहें, जिनको अपने घर जाना है जाएं। जी आखिरी सवाल महामहिम, आखिरी सवाल, अब आप बचाव के लिए क्या उपाय कर रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं जो जा रहे हैं? महामहिम आप क्या कर रहे हैं बचाव के लिए, किस तरह का उपाय, कुछ काढ़ा वगैरह ले रहे हैं?
क्योंकि आजकल लोग आयुर्वेदिक तरफ जा रहे हैं? देखिए, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो है सरकारें कर रही हैं और सबके लिए महामहिम ये व्यवस्था हो गई। मेरा सवाल दूसरा है महामहिम, जाना चाहते हैं महामहिम, मेरा सवाल दूसरा है कि सब लोग बचाव के लिए कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाकर चलते हैं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, आप किस तरह का प्रिकॉशन ले रहे हैं? कुछ काढ़ा वगैरह ले रहे हैं, कुछ आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या व्यवस्था? आपके लिए पूछ रहा हूं मैं। यानी जो जो लोग एकदम भगदड़ मचा दी और कई जगह अब ऐसा हो गई और वो अपने आप चले गए हैं, तो उनको कहीं ये वायरस उन पे प्रभावी है या नहीं है इसकी जांच किए बिना दूसरा राज्य उनको क्यों इनवाइट करेगा? तो वहाँ उनके लिए वहाँ भी व्यवस्था कर दी गई है कि भाई यहाँ रुके रहो, रहने का इंतजाम कर दिया गया, खाने का इंतजाम कर दिया गया और ये कर दिया गया कि जिनका जांच में ये कोई पॉजिटिव बात नहीं निकलती तो उनको भेजने का भी इंतजाम। महामहिम मेरा सवाल कर रही है, इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मेरा आखिरी सवाल है कि सब लोग घर में कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं, मास्क लगाकर रहते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं और आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह सब लेते हैं, आप कोई प्रिकॉशन ले रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं आयुर्वेदिक उपाय ताकि कोरोना दूर रहे? देखिए, वो कोरोना से पहले से मैं जो हमारी परंपरागत कुछ औषधियां हैं उनका इस्तेमाल करता रहा हूं और आज सारे विश्व में ये माना जा रहा है कि वो रहन सहन जो था उसको फिर से लाना चाहिए क्योंकि उसमें इम्यूनिटी बढ़ती है और जब बढ़ती है तो रोग घटता है। तो आज वो सारी दुनिया में ये हमारा जो आयुर्वेद या आयुष विभाग है उसने एक सूची जारी की है कि अगर आप उसको लें तो वो रोक देगा वायरस को, शुरुआती दौर में है तो वो खत्म कर देगा और अगर आप पहले से लेते रहे हैं इस तरह की औषधियां तो आपको होगा ही नहीं। तो जो इसका पालन कर रहे हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत धन्यवाद महामहिम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मीडिया के जरिए बहुत लोगों ने आपको सुना होगा, हम उम्मीद करते हैं कि वो अमल करेंगे, राजनीति के इस दौर में आरोप प्रत्यारोप से हटकर देश को एकजुट होकर इस कोरोना से जंग लड़नी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मीडिया से बातचीत करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को लोग गंभीरता से सुनेंगे और अमल भी करेंगे। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम लालजी टंडन जो बता रहे थे कि हमने किस तरह से इस पूरे व्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश की उस दौर में जब सरकार एक गिरने वाली थी और एक सरकार आने के लिए दावा कर रही थी। और आपने सुना कि उनका ये कहना है कि इस वक्त आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि मिलकर लड़ने की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।